हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डेटाबेस के अंदर डेटा मॉडल्स क्या होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन कार्डा मॉडल डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को किसी इवेंट को या उनके दरम्यान कोई कनेक्शन को रिप्रेजेंट करना बेसिकली डेटा मॉडल कहलाता है द मॉडल टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट इस मॉडल से हमें ये हेल्प मिलती है कि हम अपने रियल इन्वायरमेंट को समझ सकें कि जिस इन्वायरमेंट के लिए हम डाटा बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किस तरह से करना है इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ थ्री लेवल आर्किटेक्चर ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर का एडवांटेज है कि वो हमें इस तरह के मॉडल प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पार्ट्स ऑफ डाटा मॉडल्स डाटा मॉडल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और डाटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स नंबर वन स्ट्रक्चरल पार्ट इट कंसिस्ट फैट ऑफ रूल्स दीज रूल स्पेसीफाई हाउ डेटाबेस कैन बी डिवेल्प कि सबसे पहले अपने मॉडल के अंदर हम बताते हैं कुछ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं कि इन रूल्स के मुताबिक आपने डेटाबेस बनानी है ऐसी डेटाबेस आपने नहीं बनानी जो इन रूल्स के खिलाफ हो सेकंड पार्ट हमारे पास है मैनिपुलेटिव पार्ट इट डिफाइन द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन डेट कैन बी परफॉर्म डेटा इसमें हम बताते हैं कि हम डेटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अपडेटिंग और रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम डाटा बेस कि लेट को हम रूल अप्लाई करते हैं कि हम डाटा बेस को अपडेट कर सकते हैं यानी कि चेंज कर सकते हैं और डाटा बेस को रिट्राइव कर सकते हैं यानी कि गेट कर सकते हैं थर्ड पार्ट है सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स इट इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ डाटा इन द डाटा बेस कि हम कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई करते हैं कि जो भी डाटा data हम डाटा बेस के अंदर एंटर कर रहे हैं वो एक्यूरेट एंटर हो गलत डाटा हमारी डाटा बेस के अंदर एंटर ना हो तो ये बेसिकली वो तीन पार्ट्स हैं जो डेटा मॉडल के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा मॉडल डेटा मॉडल की क्या खासियत है द डेटा मॉडल इज़ यूज एज अ कम्युनिकेशन टूल फॉर डाटा बेस डिज़ाइनर एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड एंड यूजर टू इंटरेक्ट विद वन एन अदर डाटा बेस बनाते वक्त डेटा मॉडल बेसिकली एक कम्युनिकेशन टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है यानी कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देखकर जो आपका डेटाबेस का डिज़ाइनर है एप्लीकेशन प्रोग्रामर है या एंड यूज़र है वो देख कर ये समझता है कि मेरी डाटा बेस किस तरह से बनेगी किस तरह से ये वर्क करेगी किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी अ गुड डेटा मॉडल इन ए द यूजर टू अंडरस्टैंड दर्गेनाइजेशन फॉर विच द डाटा डिज़ाइन इज डिवेल्प एक अच्छा डेटा मॉडल वही होता है जिससे डिवेल्पर को ये पता चल जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डेटाबेस बना रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है अ गुड डेटा मॉडल इज़ वेरी नेसेसरी टू डिज़ाइन अगु डाटा बेस एक अच्छी डाटाबेस बनाने के लिए एक अच्छा डाटा मॉडल होना जरूरी है एनी डी बी एम एस इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक डाटा मॉडल नो डी बी एम एस कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी डाटा मॉडल कोई भी डी बी एम एस है उसका डाटा मॉडल ज़रूर होता है अगर आप उसके बगैर डाटाबेस बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ प्रॉपर डाटा बेस विदाउट नोइंग द डाटा मॉडल्स ऑफ डी बी एम एस इधर हम डेटा मॉडल के बगैर वही बात जो हमने पहले की है डाटा मॉडल के बग़ैर अगर हम डाटा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत चांसेस हैं कि वो गलत डाटा हमारी बने सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डी वी इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिकली पहले डाटा का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लें एक मॉडल के थ्रू फिर उस डाटा को बनाएं ताकि हमारी जो डाटा है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बने सो आज हमने बात की कि डेटा मॉडल क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आई होप अब क्लियर हो गया होगा आज आजकल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थैंक यू वेरी मच